सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7, अड्डा कामयाबी का स्वागत है आप सभी का बच्चों अड्डा 24/7 में। आई होप कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं और घर में हैं, और हम घर में रहकर तैयारी कर रहे हैं किसकी, आने वाले 12th के बोर्ड एग्जाम्स की। किसके द्वारा? यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं बच्चों विजय बैच के द्वारा, जहाँ पर आपको साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों ही सब्जेक्ट्स के, तीनों ही स्ट्रीम के एक एक सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में एक एक एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सीखने को मिलेंगे। यहाँ आपके लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस सभी स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट के टीचर्स बच्चों मौजूद हैं, जो आपको सिखाएंगे एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस और एक से बढ़कर एक कंसेप्ट बिल्कुल डिटेल में, ताकि आप अभी से अपनी तैयारी कर सको और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में विजय हासिल कर सको। यहाँ स्क्रीन पर बच्चों आपको क्लास की टाइमिंग्स नजर आ रही है। हर टीचर अलग अलग अपने अपने टाइम के साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ आपको सिखाने जाएंगे, और आप क्या करेंगे, आप जाइए और अपनी स्ट्रीम के हिसाब से बच्चों एक एक क्लास को अटेंड कीजिए, ताकि आने वाले बोर्ड्स में आप भी क्या कर सको, अच्छे मार्क्स के साथ अपने बोर्ड्स में मार्क्स ला सको और विजय हासिल कर सको। यहाँ आपको टाइमिंग्स दी हुई है, तो चलिए बात करते हैं मेरी। तो मैं बच्चों आपको पढ़ाने वाली हूँ क्या, मैथ्स, रोज शाम चार बजे मिलिए और हम तैयारी करेंगे किसकी, क्लास 12th के मैथ्स की। चलो हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ प्रश्नों की। आपकी एक्सरसाइज जो 12.1 है बच्चों, क्या है, 2.1 है, उसके कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो फटाफट आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक जानते हैं थोड़ा सा मेरे बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरी बात करें तो मेरा नाम है रितिका, मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ इकोनॉमिक्स में, और मेरे पास 2 इयर्स से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है, एंड आई होप कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा और नया सिखा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सफर। तब तक आप लोग क्या कीजिए, फटाफट से अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। और मैं जानती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री सुन के सबको थोड़ा सा लगता है कि ये कैसे होगा, इसीलिए हम एक एक क्वेश्चन को हर स्टेप में सॉल्व करेंगे, ताकि आसानी से आप लोगों को उसका तरीका पता चले। तो सभी लोग फटाफट अपने कॉपी पेन निकाल लो और हम शुरू कर रहे हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। क्या कहता है पहला प्रश्न, हमें मुख्य मान ज्ञात करने हैं किनके, जो निम्न में चीजें दी हैं। सबसे पहले हमें दिया है टेन इनवर्स अंडर रूट 3। क्या दिया है बच्चों, टेन इनवर्स अंडर रूट 3, और हमें क्या ज्ञात करना है, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखो स्टेप एक ही है, आप इतने सारे क्वेश्चन अभी करोगे मेरे साथ, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आसानी से आप खुद ब खुद सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए साथ साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने माना, क्या माना हमने, कि y बराबर है टेन इनवर्स अंडर रूट 3। ठीक है, y बराबर है कितना, टेन इनवर्स अंडर रूट 3। इससे हमें क्या प्राप्त हुआ बच्चों, टेन वाई की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट 3। कितनी हो गई टेन वाई की वैल्यू बच्चों, अंडर रूट 3 हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम जानते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू अंडर रूट 3 कब होती है, इसकी वैल्यू बच्चों अंडर रूट 3 होती है, ये क्योंकि माइनस अंडर रूट 3 है, तो ये कब होगी, अंडर रूट 3 वैल्यू कब होती है, पाई बाय 3 पर, कब होती है, पाई बाय 3 पर होती है। यहां पर क्या दिया है हमें, माइनस अंडर रूट 3, तो यहां पर हम क्या लेंगे बच्चों, टेन वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस टेन पाई बाय 3, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी निकलेगी, माइनस पाई बाय 3। कितनी वैल्यू प्राप्त होगी बच्चों हमें, माइनस पाई बाय 3 प्राप्त होगी। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि मुख्य मान क्या है, मुख्य मान जो हमने ज्ञात किया किसका, टेन इनवर्स y का, टेन इनवर्स अंडर रूट 3 का, कितना प्राप्त हो गया हमें, माइनस पाई बाय 3। यही है इसका दिए गए प्रश्न में मुख्य मान। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। इतना ही आसान है बच्चों, अगर हमें वैल्यूज पता है तो हम बहुत आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न दो क्या कहता है, प्रश्न दो कहता है कि हमें मुख्य मान निकालना है कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 का।
किसका, कॉट इनवर्स अंडर रूट थ्री का। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले वही माना हमने क्या कि y बराबर है कॉट इनवर्स अंडर रूट थ्री के। y बराबर है किसके, कॉट इनवर्स अंडर रूट थ्री के। और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें वैल्यू मिलेगी कॉट y बराबर है कितना, अंडर रूट थ्री। कॉट y बराबर है कितना, अंडर रूट थ्री। अब यदि हम मानों की बच्चों बात करें तो हम जानते हैं ये कि कॉट थीटा की वैल्यू अंडर रूट थ्री कब होती है, कॉट थीटा की वैल्यू अंडर रूट थ्री कब होती है, ये होती है आपकी पाई बाय सिक्स पर। कब होती है बच्चों, पाई बाय सिक्स पर होती है, ठीक है। अब यहां से हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, कॉट वाई बराबर है कॉट अंडर रूट थ्री, वैल्यू क्या निकलेगी, कॉट वाई बराबर हो जाएगा कॉट पाई बाय सिक्स। तो हमें क्या मिली, वाई की वैल्यू मिली पाई बाय सिक्स। ये क्या था हमारा, हमने इसको माना था कॉट वाई की वैल्यू निकाल ली, इसको हमने समीकरण एक माना था, ठीक है। यहां पर अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, मुख्य मान, मुख्य मान हमें प्राप्त हो जाएगा किसका, कॉट इनवर्स अंडर रूट थ्री, जो बराबर है y के, कितना प्राप्त हो रहा है हमें पाई बाय सिक्स। कितना प्राप्त हुआ बच्चों, पाई बाय सिक्स हमें मुख्य मान इसका प्राप्त हो गया। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि हमें मान निकालना है किसका, कॉसेक इनवर्स अंडर रूट टू का, कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट टू का। यदि हम कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट टू की बच्चों बात करें, सबसे पहले हम इसको क्या मान लेंगे, y, x, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो चलिए इस बार हम x मान लेते हैं। तो माना हमने कि cosec इनवर्स माइनस अंडर रूट टू बराबर है किसके, x के। यहां से हमें क्या मिला, ये हमने मान लिया अपना पहला समीकरण। यहां से हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, cosec x की वैल्यू कितनी, माइनस अंडर रूट टू। कितनी हो जाएगी, माइनस अंडर रूट टू हो जाएगी, ठीक है बच्चों। यदि हम बात करें किसकी, ये बच्चों अंडर रूट टू नहीं, टू है सिर्फ, कितनी है, टू है, माइनस टू है, ठीक है। तो चलिए यदि इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉसेक टू, माइनस टू हो जाएगी। अब यदि हम इसको हल करेंगे तो हम ये बात जानते हैं कि कॉसेक की वैल्यू, कॉसेक थीटा की वैल्यू टू कब होती है बच्चों, ये होती है पाई बाय सिक्स पर। कब होती है, पाई बाय सिक्स पर, और यह है माइनस टू। तो हम क्या करेंगे, कॉसेक एक्स बराबर है माइनस कॉसेक टू के, यानी कि कॉसेक एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कॉसेक टू, कब होता है, पाई बाय सिक्स पर। यहां से हमें क्या मिला, एक्स बराबर है माइनस पाई बाय सिक्स। एक्स का मान कितना निकल गया बच्चों, माइनस पाई बाय सिक्स। तो हम क्या कहेंगे कि मुख्य मान किसका, मुख्य मान की यदि बात करेंगे किसमें बच्चों, कॉसेक इनवर्स माइनस टू में, किसके बराबर थी, ये एक्स के बराबर थी, जहां हमने क्या मान निकाला इसका, माइनस पाई बाय सिक्स। तो इस प्रकार हम क्या, दिए गए त्रिकोणमितीय फलनों का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का क्या ज्ञात कर सकते हैं, मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों बढ़ने से पहले यहां जान लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में। तो यहाँ आपको बच्चों, आप देख रहे हैं हमारे अड्डा 24/7 स्कूल का टेलीग्राम चैनल, आपको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको क्या मिलेगा, आपको इस क्लास के और बाकी सभी क्लासेस के नोट्स मिलेंगे, उसके साथ साथ ही वीडियो लिंक्स मिलेंगे, और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। जितनी ज्यादा क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छे नंबर ला सकते हो। तो अगर आप चाहते हो प्रैक्टिस करना अलग अलग क्वेश्चंस की, उसके साथ ही आप नोट्स और वीडियो लिंक्स चाहते हैं जहां आपको लगातार हर क्लास का वीडियो लिंक मिले, तो आप क्या कीजिए, फटाफट से जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों दिया हुआ है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि हमें sec इनवर्स टू अंडर रूट थ्री का मान ज्ञात करना है। किसका, sec इनवर्स टू अंडर रूट थ्री का मान हमें बच्चों ज्ञात करना है, ठीक है। अब जहां भी आपको डाउट हो बच्चों, आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख सकते हो, और जहां भी आपको प्रॉब्लम होगी हम उसे सॉल्व जरूर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उसी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमने माना y बराबर है कितना, sec इनवर्स
टू अंडर रूट थ्री के। ठीक है, यहां से हमें क्या मिल गई वैल्यू, sec y बच्चों हमें मिल गया टू अंडर रूट थ्री के समान। अब यहां पर हमें यह जानना है कि sec की वैल्यू, sec थीटा की वैल्यू टू अंडर रूट थ्री कब होती है, कब होती है बच्चों टू अंडर रूट थ्री वैल्यू, यह होती है पाई बाय सिक्स पर। sec की वैल्यू टू अंडर रूट थ्री कब होती है, पाई बाय सिक्स पर होती है। तो यहां पर हम इसे इस प्रकार दर्शा सकते हैं, sec y बराबर है sec टू अंडर रूट थ्री, और sec y बराबर कितना कब होती है टू अंडर रूट थ्री, sec पाई बाय सिक्स पर। अर्थात यहां से यदि हम देखें तो y का मान हमें कितना मिल गया, पाई बाय सिक्स। y का मान कितना प्राप्त हो गया बच्चों, पाई बाय सिक्स हमें प्राप्त हुआ। तो हमने यहां से क्या निकाला, मुख्य मान, किसका मुख्य मान हमने ज्ञात किया बच्चों, sec इनवर्स टू अंडर रूट थ्री का, ठीक है, जो कि किसके बराबर हमने रखा था, y के बराबर, कितना पाई बाय सिक्स, कितना मिल गया हमें पाई बाय सिक्स मिल गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि यहां हमें tan इनवर्स वन प्लस cos इनवर्स माइनस वन बाय टू प्लस sin इनवर्स माइनस वन बाय टू का मान ज्ञात करना है। अर्थात इसका क्या हुआ, अभी तक हम जो एक एक क्वेश्चन में बात कर रहे थे, यहां तीनों का मान एक साथ निकालकर उनमें संक्रिया यानी कि ऑपरेशन करना है। तो क्या है यहाँ पे ऑपरेशन, योग, यानी कि हमें इन्हें प्लस करना है समीकरण के अनुसार। तो चलिए यदि हम इसको मान लेते हैं एक, इसको दो और इसको तीन, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक मानकर हल करते हैं, क्या जानेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने माना क्या, tan इनवर्स वन किसके बराबर मान लिया हमने, x के बराबर मान लिया इसको, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा बच्चों x बराबर tan x बराबर कितना, tan x बराबर मिल जाएगा वन, कितना मिल जाएगा tan x बराबर मिल जाएगा वन। अब हमें यह पता है कि tan x का मान वन कब होता है, tan पाई बाय फोर पर होता है, कब होता है tan पाई बाय फोर पर होता है बच्चों, ठीक है। तो यहां से हमें x का मान कितना प्राप्त हो गया, पाई बाय फोर, कितना प्राप्त हुआ पाई बाय फोर। इसको हम मान लेते हैं अपना पहला समीकरण, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। तो अगला भाग मान लीजिए हम करते हैं हल, और हमने माना अब किसकी बारी है, cos इनवर्स की, cos इनवर्स कितना माइनस वन बाय टू बराबर है किसके, y के, हमने इसको y मान लिया। तो यहां से हमारे पास cos y कितना निकला, माइनस वन बाय टू के, कितना निकला बच्चों माइनस वन बाय टू के। अब cos y की यदि हम बात करें तो ये माइनस वन बाय टू कब हो सकता है, ये हो सकता है cos पाई माइनस पाई बाय थ्री पर, क्योंकि ये माइनस वन बाय टू है, सिर्फ वन बाय टू होता तो क्या होता, ये पाई बाय थ्री वैल्यू हो जाती, परंतु माइनस वन बाय टू है तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाय थ्री, क्योंकि इसका परिसर जीरो से पाई तक होता है। तो यहां से हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, वाई की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी बच्चों कितनी, टू पाई बाय थ्री की, कितनी प्राप्त हो जाएगी, टू पाई बाय थ्री की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। ये हो गया मान लो हमारा दूसरा समीकरण। अब बात करते हैं अगले भाग की, अर्थात तीसरे भाग की। तो तीसरे भाग की अगर बात करें बच्चों, क्या दे रखा है, साइन इनवर्स। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हमने माना साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू बराबर है किसके, जेड के। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, साइन जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वन बाय टू हो जाएगी, क्योंकि अभी यहां पर पहले एक बार बात कर लेते हैं, कॉस से जब भी हम कॉस किसकी बात करते हैं, माइनस थीटा की, तो ये क्या हो जाता है, पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा हो जाता है। वहीं अगर हम साइन माइनस थीटा की बात करते हैं बच्चों, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाता है। ये आपको समझना और याद रखना बहुत जरूरी है इन प्रश्नों को हल करने के लिए, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला, साइन जेड मिल गया माइनस वन बाय टू, यानी कि साइन जेड, साइन की वैल्यू वन बाय टू कब होती है, पाई बाय सिक्स पर होती है। तो यदि हम इसके अनुसार देखें, ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाय सिक्स, अर्थात z की वैल्यू कितनी निकल गई, पाई बाय सिक्स, माइनस पाई बाय सिक्स, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा तीसरा समीकरण। अब उपरोक्त प्रश्न के अनुसार
हम क्या करेंगे, जैसा कि प्रश्न में समीकरण बच्चों हमें दिया हुआ है, इस समीकरण के अनुसार यदि हम 1 + 2 + 3 कर दें, यानी कि तीनों समीकरणों को प्लस कर दें, तो क्या मिलेगा, पाई बाय 4 प्लस 2 में कितनी वैल्यू निकली है 2π/3 प्लस यहां पर कितनी निकली है -π/6। इसको अगर हल करेंगे बच्चों तो पाई बाय 4 प्लस 2π/3 प्लस माइनस -π/6। एलसीएम लेने पर हमें क्या मिलेगा, यदि 4, 3 और 6 का बच्चों एलसीएम लोगे तो हमें मिलेगा 12। 12 को 3 से भाग करेंगे कितना, 4 से भाग करेंगे आएगा 3, तो ये गुना करने पर हो गया 3π प्लस 12 को 3 से भाग करेंगे 4, 4 × 2 = 8π माइनस 12 को 6 से भाग करेंगे 2 और ये हो गया 2π। आगे यदि इसको हल करते हैं, आगे हल करने पर बच्चों यहां पर लिख रही हूं मैं, देखते हैं क्या प्राप्त होगा हमें, 3 और 8 कितना हो गया प्लस करने पर 11π माइनस 2π बटे में 12, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा 9π बटे में 12, कट जाएगा ये 3 × 9, 3 × 4, 12 कितना प्राप्त हो जाएगा 3π/4। यानी कि उपरोक्त दिए गए समीकरण को यदि हम हल करें तो उसका पूर्ण मान कितना निकलेगा 3π/4, कितना निकलेगा बच्चों 3π/4। तो यहां पर हमने देखा कि किस प्रकार प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रश्नों को हल करके उनका मुख्य मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बच्चों क्या है, आपको होमवर्क दिया है, क्या दिया है, होमवर्क दिया है। होमवर्क में एक प्रश्न है जहां पर आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रश्न को इसको हल करके मान ज्ञात करना है। क्या है प्रश्न, प्रश्न कहता है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin inverse 1/2 इसका मान कितना होगा इन चारों में से, पाई बाय 3 या 2π/3 -π/3 या π/6। ये आपके लिए बच्चों होमवर्क है और आप क्या करेंगे अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। क्या करेंगे बच्चों, अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आंसर अगर सही होगा तो बहुत अच्छी बात और नहीं होगा तो हम क्वेश्चन को डिस्कस जरूर करेंगे। तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों बिल्कुल मत भूलना और फिर हम बात करेंगे आगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा कि किस प्रकार प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को हल करके उनके मुख्य मानों को, जो कि संबंधित है मुख्य परिसर से, उनके मुख्य मानों को ज्ञात किया जाता है तथा उनके मान निकाले जाते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ नई क्लास में, तब तक आप होमवर्क करना मत भूलिएगा। थैंक यू।